क्लास स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यहाँ पर आज सीखेंगे नेचर ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, नेचर ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। तो साल्ट सॉल्यूशन की नेचर, तो नेचर कैसी होगी साल्ट सॉल्यूशन की? या तो एसिडिक होनी चाहिए, या फिर बेसिक होनी चाहिए, या न्यूट्रल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर हेडिंग क्या दिया है, द पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। ये भी कह सकते हैं पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन या नेचर ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। दो द एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ मैनी साल्ट्स, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ मैनी साल्ट्स आर न्यूट्रल होते हैं, बट सम साल्ट्स प्रोड्यूस एसिडी। सब साल्ट्स कैसे होते हैं, प्रोड्यूस क्या करते हैं, एसिड और बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब कुछ साल्ट को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो सॉल्यूशन कैसा बन जाता है उनका, एसिडिक नेचर का या बेसिक नेचर का भी। और मैनी ऑफ साल्ट कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मीन्स नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। देर आर सो मैनी एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हैं कुछ यहाँ पर साल्ट सॉल्यूशन और उनका पीएच और उनका नेचर। तो पहले तो मैं यहाँ पे तीन साल्ट्स के बारे में ऐसे ही लिख रहा हूँ आपको, और आगे मैं आपको मेथड एक टेक्निक बताने वाला हूँ कि आप किसी साल्ट को कैसे बताएंगे उसकी नेचर, यानी कि किसी साल्ट की नेचर, हाउ विल यू डिसाइड कि इट विल बी आपका न्यूट्रल, इट विल बी एसिडिक और इट विल बी बेसिक। ठीक है, तो पहले देखिए सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड साल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसका पीएच 7 होता है और इसकी नेचर न्यूट्रल होती है, तो 7 पीएच वाले की तो न्यूट्रल हो ही जाएगी। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन NH4Cl सॉल्यूशन, इसका पीएच 6 होता है। ठीक है ना, तो इसका नेचर हो जाएगा एसिडिक, क्योंकि क्यों, लेस देन 7 हो गया तो एसिडिक हो गया। इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन इसका पीएच कितना है, 9 है, 9 मीन्स मोर देन 7 हो जाता है, तो मोर देन 7 होने से इसकी नेचर कैसी हो जाएगी, बेसिक और यू कैन से एल्केलाइन। अब देखिए आगे मैं आपके साथ डिस्कस ये कर रहा हूँ किसी साल्ट के सॉल्यूशन की नेचर आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसमें आपको यहाँ पर तीन पॉइंट हैं, वो आपको तैयार करने हैं और वो आप तैयार कर लेंगे आसानी से, कोई भारी बात नहीं है वहाँ पर, क्योंकि इसमें जो की लग रहा है या इसमें जो कंसेप्ट लग रहा है नेचर फाइंड करने में, उस कंसेप्ट को आप ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो। ठीक है, ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो, जैसे लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ये चीज़ें इसमें अप्लाई होने वाली हैं, और ये चीज़ें आपने क्लियर कर ली हो पिछले केसेस में तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर, आप ये तो जानते हैं साल्ट कैसे बना होता है, साल्ट कैसे बनता है, जब एक एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, साल्ट बनता है एंड वाटर बनता है। तो ठीक, हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है पॉइंट, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सपोज हमने लिया, यहाँ पर मैंने अभी केवल एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूँ यहाँ पर फिलहाल, अभी एग्जाम्पल भी लूँगा। देखो तो उस समय जो साल्ट बनेगा इन दोनों से तो उसकी नेचर न्यूट्रल होने वाली है, वो सॉल्यूशन साल्ट का सॉल्यूशन न्यूट्रल होने वाला है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात याद रह जाएगी, न्यूट्रल नेचर डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना है, उस साल्ट को देखिए, उस साल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ हुआ है नहीं हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ हुआ है नहीं हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर वो साल्ट बना है तो साल्ट के सॉल्यूशन की नेचर न्यूट्रल ही होनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रल सॉल्यूशन के ऊपर भी दिए अभी भी फिर आ रहे हैं, देखो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट सॉल्यूशन K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। अब इसमें अगर इसकी बात करी जाए, किसकी वाला, सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड को हमने वाटर में डिजॉल्व करा तो आपका क्या बनेगा, NaOH बनेगा यहाँ पर,
प्लस, तभी तो नेचर पता चलेगी, NaOH और प्लस HCl। अब इस नेचर को आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, आप इस नेचर को प्रैक्टिकली लिटमस पेपर से भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली डिसाइड करने के लिए आपको यही कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर कोई साल्ट बनाए तो उस साल्ट के सॉल्यूशन की नेचर न्यूट्रल होने वाली है, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे आपको सोडियम क्लोराइड, अब देखो यही ऑब्जर्व कर लो आप, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड में यूज बेस क्या हुआ है, NaOH यूज हुआ, तो NaOH कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और इसमें यूज्ड एसिड क्या है, देखो क्लोराइड है, तो क्लोराइड मींस HCl का यूज हुआ है, तो HCl कैसा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ स्ट्रॉन्ग एसिड यूज है, तो इसलिए इस साल्ट के सॉल्यूशन की नेचर कैसी है, न्यूट्रल है। आगे देखो, इसमें देखो पोटेशियम सल्फेट साल्ट है यहाँ पर, तो पोटेशियम सल्फेट साल्ट किससे मिलकर बना है, देखो बेस कौन सा है इसमें, यहाँ पर पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड KOH, तो KOH मैंने पीछे क्या बताया आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, और सल्फेट क्या है यहाँ पर, एसिड यूज्ड, तो सल्फेट किस में है, सल्फ्यूरिक एसिड में, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ साल्ट क्या हुआ, पोटेशियम सल्फेट साल्ट। अब पोटेशियम सल्फेट साल्ट का सॉल्यूशन किस नेचर का हो जाएगा, न्यूट्रल नेचर का हो जाएगा, ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये मैंने रिएक्शन दी है, साल्ट को वाटर में डिजोल्व कर दिया, तो साल्ट को वाटर में डिजोल्व करके क्या बनेगा, NaOH बन जाएगा, साथ में HCl बन जाएगा। अब इसको चाहे आप रिवर्स भी कर सकते हैं, जब आप रिएक्शन कैसे कराएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर HCl से कराते हैं तब भी आपका क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड और वाटर बन जाएगा। एक प्रकार से सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन तो बन ही जाएगा, लेकिन हम एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा सोडियम क्लोराइड का, लेकिन उसमें जो प्रेजेंट होगा जिससे मिलकर बना है, NaOH और HCl से। इसी प्रकार देखो पोटेशियम सल्फेट मैंने समझा दिया, बस इसको मैं अब आगे नहीं कर रहा, आगे आइए देखिए, देखिए इसमें आगे दूसरा पॉइंट यूज कर रहा हूँ। अब आप कितने भी साल्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये न्यूट्रल है, ये किस प्रकार का है, ठीक है ना। न्यूट्रल के लिए ओनली एक ही पॉइंट याद रखना है, अगर वो साल्ट आपका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो आपका न्यूट्रल साल्ट उसकी नेचर हो जाएगी, साल्ट की नेचर, साल्ट के सॉल्यूशन की नेचर न्यूट्रल हो जाएगी। आगे देखिए, अब हमें नेचर कौन सी समझनी है, एसिडिक समझनी है। किसी साल्ट के सॉल्यूशन की नेचर सपोज एसिडिक है, तो एसिडिक है तो उस साल्ट में प्रेजेंट एसिड मींस जिससे मिलकर बना होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और बेस उसमें वीक होगा, ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपको एसिडिक नेचर सॉल्यूशन के साल्ट के सॉल्यूशन की डिसाइड करनी है तो वो साल्ट किससे मिलकर बना हुआ होना चाहिए, एक उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए और एक उसमें वीक बेस होना चाहिए। क्लियर है, बात याद रहेगी, क्योंकि एसिडिक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज, और स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर लिया हो तो बेस कैसा करेंगे, वीक करेंगे। एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, अमोनियम क्लोराइड। तो ठीक है भाई, हम रट तो सकते नहीं, लेकिन इस मेथड से तो हम इसे याद रख सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl है, आप NH4Cl में आप देख लीजिए कि NH4Cl किस एसिड से मिलकर बना है और किस बेस से मिलकर बना है। तो NH4Cl अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज हुआ है, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम का हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है, और क्लोराइड क्या है, HCl एसिड, ठीक है ना। तो HCl एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब बेस कैसा हुआ, वीक हुआ, तो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ साल्ट कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा। इसी प्रकार अमोनियम सल्फेट, देखो यहाँ पर अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, NH4 होल्ड वाइज SO4, तो अमोनियम सल्फेट में यूज्ड बेस और यूज्ड एसिड जानिए क्या क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है, और सल्फेट किस में है, सल्फ्यूरिक एसिड में, तो एसिड कौन सा यूज है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस से मिलकर बना हुआ साल्ट सॉल्यूशन NH4
होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट किस नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। इस प्रकार देखो मैंने अमोनियम क्लोराइड को भी वाटर में डिजोल्व किया हुआ है, तो अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करके क्या बन रहा है आप देख सकते हैं, NH4OH और HCl बन रहा है। तो HCl कैसा हुआ है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड, और NH4OH कैसा हुआ वीक बेस हुआ। इस तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना हुआ साल्ट का सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसमें यहाँ एसिडिक, अच्छा इसमें यहाँ ये बेसिक सॉल्यूशन लिख दिया है मैंने, यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा इसका जो सॉल्यूशन होगा एसिडिक होगा। ठीक है, यहाँ पर ये रॉन्ग हो गया है। इसी प्रकार यहाँ पर ये अमोनियम का सल्फेट जब हमने वाटर में डिजोल्व करा तो इस साल्ट का सॉल्यूशन किस प्रकार का होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हम इसे क्या बोलेंगे, बेसिक नहीं बोलेंगे इसे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन। तो इसकी नेचर एसिडिक हो जाएगी, तो इट मींस इनका जो पीएच हो जाएगा लेस देन 7 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, आगे अब आगे करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं हम, क्या बचा आपका, नेचर हुई आपकी न्यूट्रल, नेचर हुई आपकी एसिडिक, और अब नेचर कैसी बची आपकी बेसिक, यानी कि साल्ट के सॉल्यूशन की नेचर कैसी बची है बेसिक। तो बेसिक नेचर के लिए हमें उसमें क्या करना है, एसिड अभी अभी पीछे एसिडिक में हमने क्या करा था, स्ट्रॉन्ग किया था, तो अब एसिड यहाँ पर बीक ले लेना है, और बीक एसिड के साथ साथ क्या ले लेना है, स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर लेना है। स्ट्रॉन्ग बेस और बीक एसिड के साथ बना हुआ साल्ट का सॉल्यूशन किस नेचर का हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन का हो जाएगा। ठीक है ना, बेसिक सॉल्यूशन यानी कि बेसिक नेचर अगर हमने डिसाइड करनी है तो उस साल्ट में यूज्ड बेस कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, और एसिड कैसा यूज होना चाहिए, वीक होना चाहिए। तो एग्जांपल क्या बनेंगे इसके, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट एग्जांपल बनेंगे। अब देखो इनके आपके फॉर्मूले क्या बनेंगे इनके, Na2CO3। आप Na2CO3 में क्या देखिए, Na2CO3 में आप ये देखिए इसमें यूज साल्ट कौन सा है, इसमें यूज्ड बेस कौन सा है, और इसमें यूज्ड एसिड कौन सा है। तो जैसे Na2CO3 में सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस यूज हुआ, और कार्बोनेट से क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, तो कार्बोनिक एसिड कैसा है, बीक एसिड है यहाँ पर, तो बीक एसिड कौन सा यूज हुआ, कार्बोनिक, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार इसकी नेचर कैसी हो गई है, बेसिक हो गई है। इसी प्रकार सोडियम एसीटेट फॉर्मूला CH3COONA, ठीक है, तो CH3COONA में एसिड कौन सा यूज है, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड क्या है, CH3COOH होता है, तो इसमें यूज कहा हुआ है, एसिटिक एसिड यूज हुआ है। तो एसिटिक एसिड कैसा होता है, वीक एसिड होता है, साथ में Na से क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या हुआ, NaOH, वीक एसिड क्या हुआ, एसिटिक एसिड। तो इस प्रकार साल्ट की नेचर कैसी हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, इन्हें फिर मैंने वाटर में डिजोल्व करके आपको दिखाया है यहाँ पर, तो वाटर में डिजोल्व करा है कैसे, यहाँ पर देख लीजिए सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, यानी कि वाटर में ऐड कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, NaOH बना स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ में कार्बोनिक एसिड बना वीक एसिड, तो इसलिए इसकी नेचर कैसी हो जाएगी, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है नहीं, और इसी प्रकार दूसरा आगे देखो, सोडियम एसीटेट को मैंने वाटर में डिजोल्व करा, तो सोडियम एसीटेट को वाटर में डिजोल्विंग करके सपोज क्या, NaOH और साथ में एसिटिक एसिड यहाँ पर ही, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस और साथ में आपका वीक एसिड, ये आपको दोनों एग्जांपल पीछे जा चुके हैं टॉपिक्स में। तो इस प्रकार इस सॉल्यूशन की नेचर कैसी हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर तीन पॉइंट पर ध्यान देना, देखो अगर हमने, मैं एक बार वंस अगेन आई रिपीट यू ऑल थ्री, आपने न्यूट्रल नेचर अगर इसकी डिसाइड करनी है तो न्यूट्रल नेचर साल्ट की डिसाइड करनी है तो उसमें क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड से साल्ट बना हुआ होना चाहिए और आपका स्ट्रॉन्ग बेस से ही मिलकर बना हुआ होना चाहिए। और अगर हमें एसिडिक नेचर किसी साल्ट की डिसाइड करनी है तो उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ होना चाहिए और साथ में वीक बेस से बना हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार अगर हमने बेसिक नेचर हमने डिसाइड करनी है साल्ट की तो उस केस में एसिड कैसा होना चाहिए, वीक हो जाना चाहिए, ठीक है ना, और बेस कैसा यूज होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए,
तो मैंने तीनों पॉइंट एक बार फिर रिपीट कर दिए। इन तीन पॉइंट पे फोकस देना, और ये पॉइंट तभी क्लियर होंगे आपके जब आप पीछे का टॉपिक एसिड का क्लासिफिकेशन समझेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड को समझेंगे, वीक एसिड को समझेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस को समझेंगे, और वीक बेस को समझोगे एग्जाम्पल सहित। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर मैं ये साल्ट का टॉपिक, इसमें नेचर ऑफ साल्ट का टॉपिक स्टॉप करता हूँ, क्लोज करता हूँ। और आगे आपका आएंगे डिफरेंट साल्ट्स आएंगे, यहाँ पे डिफरेंट साल्ट्स और दिए गए हैं आपके यहाँ पे सिलेबस में। तो साल्ट्स में जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, उसकी प्रिपरेशंस, प्रॉपर्टीज, यूजेस हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस दिया गया है, और वॉशिंग सोडा दिया गया है, बेकिंग सोडा दिया गया है, ब्लीचिंग पाउडर दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया गया है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें कवर करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।